Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram, Daily Vocabularies and Sorcery. It was a request by Nihal Malik and Nihal, here's your lesson. Ensorcel is a verb and it means to enchant, to fascinate. जादू करने को ensorcel करना कहते हैं, ठीक है? इसको spell करना भी कहते हैं, आप उसके लिए ये word ensorcel भी use कर सकते हैं, ठीक है? इसका जो second इससे related ही meaning है, जो जिस meaning में ये इस्तेमाल होता है कि to fascinate, मतलब कि किसी कोई चीज आपको इतना fascinate कर दे, आपको वो इतनी अच्छी लग जाए कि आपको ऐसा फील हो कि जैसे आप उस चीज के जादू के अंदर आ गए हैं, उस चीज ने कोई जादू सा आपके ऊपर कर दिया, आप उस चीज के सहर में आ गए हैं, ठीक है? होता है ना, किसी इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, वो इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी होती है कि जब आप उनसे बात करते हैं या उनके कॉन्टेक्ट में जाते हैं तो आपको ऐसे फील होता है कि जैसे उस शख्स की पर्सनैलिटी ने ना, आप उसे इतना फैसिनेट हो रहे होते हैं कि आपको लगता है कि उस शख्स की पर्सनैलिटी ने आपके ऊपर कोई जादू सा कर दिया है, ठीक है? कोई सहर आपके ऊपर जो है ना वो कर दिया है, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि दैट पर्सन हैज एंसोर्सल्ड मी, कि उस शख्स ने जो ना, या उस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है, हिज पर्सनैलिटी हैज एंसोर्सल्ड मी, ठीक है? कि उसने मेरे ऊपर कोई जादू सा कर दिया है, ठीक है? मैं इतना फैसिनेट हो रहा हूँ. इसी तरह जैसे मून होता है ना, चांद होता है, कुछ लोगों को चांद, चांद की चांदनी, ये बड़ी खूबसूरत लगती है, वो बड़ा फैसिनेट होते हैं, मतलब चांद से, उसकी चांदनी से, रात के उस टाइम से, ठीक है? तो इट मीन्स के मून ने उनको एंसोर्सल कर दिया है, वो इतना फैसिनेट हो रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है जैसे एक बड़ा जादू सा, एक सहर सा उनके ऊपर हो रहा है, ठीक है? किसी सीनरी में या किसी जगह पे, किसी प्लेस में भी ऐसी जाके फीलिंग आ सकती है. तो भी कह सकते कि ये प्लेस या ये सीनरी या ये जगह जो है, ये मुझे एंसोर्सल कर रही है, कि मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे इसने मेरे ऊपर कोई जादू सा, सहर सा कर दिया है, ठीक है? इसी तरह से कोई इंसान का एक्चुअल मीनिंग में भी आप ले सकते हैं, कि मुझे ऐसे फील, ये थोड़ा नेगेटिव मीनिंग में भी ले सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने मेरे ऊपर कोई स्पेल कर दिया है, कोई जादू कर दिया है मेरे ऊपर, ठीक है? तो एक तो फैसिनेशन वाला जादू भी हो सकता है, कि कोई चीज आपको फैसिनेट कर रही है, तो भी आप कह सकते हैं कि उस फैसिनेशन की वजह से मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे मैं उसके शहर में आ गई हूँ या आ गया हूँ, ठीक है? या कोई आपको एक्चुअल में फील हो रहा है कि जैसे किसी शख्स ने, जैसे हमारे यहाँ लोगों को होता है फील के भी, फलाने मेरे पर जादू कर दिया, फलाने मेरे पर जादू कर दिया, तो भी कह सकते हैं कि मुझे इंसोर्सल कर दिया, ठीक है? तो इंसोर्सल का मतलब थोड़ा सा ना, ये मिस्टिकल टाइप सा होता है, कि या तो फैसिनेशन के अंदर आ गए हैं आप, और आप बड़ा जो ना वो आपको फील हो रहा है कि आप उसके शहर में, उसके जादू में है, कि आपको एक्चुअल में फील हो रहा है कि आपको लग रहा है कि किसी चीज ने आपके ऊपर कुछ स्पेल कर दिया है, कुछ जादू कर दिया, ठीक है? तो आई होप कि आपको इंसोर्सल का मतलब समझ में आ गया. ऐसे सब एग्जांपल्स, अब फर्स्ट एग्जांपल इज, आई लव विजिटिंग ओल्ड कैसल्स, दे टेरिफाई एट द सेम टाइम इंसोर्सल यू, कि जो ओल्ड कैसल्स होते हैं ना, जो पुराने किले वगैरह होते हैं, ठीक है, जो पुराने बादशाहों के जमाने में बने हुए हैं, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि इस सेंटेंस में कह रहे हैं कि मुझे वो विजिट करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि उधर जाकर दो टाइप्स की फीलिंग्स आती है. एक तो ये कि आपको एक खौफ सा, एक टेरिफाई आप फील करते हो, आपको एक खौफ सा फील होता है, ठीक है? और एट द सेम टाइम, उसी लम्हे आपको एक बड़ा इंसोर्सल सा फील होता है, कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे ना यहाँ पर कोई जादुई सा असर है आपके ऊपर, कोई बड़ा सहरंगे सा असर है, बड़ी एक फैसिनेशन सी फील होती है, ठीक है? तो खौफ और वो जो जो सहर अंगेज वाली ये फीलिंग होती है ना, वो दोनों इन इन जगहों पे जाके, इन ओल्ड कैसल्स में जाकर आती है. तो आई लव विजिटिंग ओल्ड कैसल्स, ठीक है? अ सेकंड एग्जांपल इज, शी बिलीव्स दैट हर मदर इन लॉ हैज एंसोर्सल्ड हर, कि जो है ना, उसको लगता है कि उसकी जो मदर इन लॉ है, उसने उसको एंसोर्सल कर दिया है, मतलब कि उसके ऊपर शायद कोई जादू कर दिया है, ठीक है? अ थर्ड एग्जांपल इज, आई लव रीडिंग फेरी टेल्स, दे समहाउ एंसोर्सल मी, कि मुझे जो फेरी टेल्स होती हैं वो पढ़ना मुझे बड़ा पसंद है, जो परियों की, शहजादियों की, जो पुरानी कहानियां होती हैं, ठीक है? ऐसी टेल्स जो है वो मुझे पढ़ना जो है वो बड़ा पसंद है, क्योंकि वो मुझे ना एंसोर्सल करती है, मुझे फैसिनेट करती है, और मैं, मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे मैं किसी शहर में चली गई हूँ, चला गया हूँ, ठीक है? Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video, see you next lesson. Allah Hafiz.